सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ साधु संत महात्मा लगाए लगाए समाधि, करत करत भजन मरीगे, हड्डी खाए गए सियार और मासे में यहाँ रही नहीं गा पानी। लगाए लगाए समाधि सब बाबा के वह तेरा दर और ना भगवान मिले ना कहो भगवान नहीं मिली, कोई नहीं मिला। और हमारे युग में महाराज को एक तपस्या करे जरूरत नहीं, खाली आधार कार्ड हो जाओ गप दे का आज ना ये आधार कार्ड लाग रहा है, तुलसी बाबा रामायण में लिखाएगी आधार कार्ड तबहू ला कर रहा है। तो कलयुग बोला महाराज कलयुग में यहाँ हमरे युग में आदमी के यहाँ जवाने में जो बाबा बैठे दिन भर माला जपाए ध्याला भरे काम ना करे वही भर कोनो सिर्री बाबा नहीं, वही भर कोनो बेकूफ बाबा ही नहीं। कलयुग में केवल भगवान की अर्का करो। कलयुग बोला महाराज हमरे युग में कलयुग केवल नाम आधार कार्ड कलयुग केवल नाम आधारा भगवान का नाम ले ले, जी पर भरोसा हो कि हमारे भगवान है, वह नाम से आदमी तर जाए। नाम लेती भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही, और जिनकर नाम लेती जग माही सकल अमंगल मूल न साही। राम नाम सुमिरति अकबारा उतरै नर भव सिंधु अपारा। तो तपस्या करे का जरूरत, महाराज हमरे में युग गुण है कि नहीं है, अपन काम करते रहो आओ भगवान को पा जाई हो और तरियो जाई हो। राजा परीक्षित कहला तब तो यार बहुत बढ़िया आदमी है। राजा परीक्षित सोचे सांचिन कुछ नहीं, सुन लो भैया कोई काम करे चलो बिना सोचे बिचारे कोई कबहु काम ना करो। दशरथ में अक्षर कहे हैं भैया दा सा रा कई अक्षर हैं, खूब ध्यान दे लो। दशरथ में अक्षर कहे दा सा रा कई अक्षर हैं, चार। भागवत में अक्षर कहे चार, भागवत कई अक्षर हैं, चार। दा सा ना न कई अक्षर हैं, चार। हिंदू धर्म में वेद कहे हैं, चार। हमता हमका तुमका मर जाए के बाद कई जने ले जाते मुर्दा घाट, चार। दशरथ जीत गए दशानन हारिगा, और जबकि रासियाक राशिस नहीं होत, कंस और कृष्ण याक रास है कि नहीं है, कंस और कृष्ण यागरास, रावण और राम यागरास है कि नहीं है। तो फिर राम का है रावण को मार डाली ना, और कृष्ण का है कंस को मार डाली। ये है फल कर्मों का। अगर कर्म बढ़िया के हो तो कंस भी कन्हैया को मार सकता, लेकिन उसका कर्म गलत था। कर्मों से आदमी योग्य होता है और कर्मों से व्यक्ति नीचे गिर जाता है। हम आप कर्म करना ना बंद करें मेरे भैया।
दशानन हार गया, दशरथ जीत गए। क्यों? क्योंकि दशरथ इंद्र के ऊपर थे और रावण दशानन इंद्रियों के नीचे था। वो आदमी घर आए शाम को जौन आदमी दारू के रे ऊपर हुई, और वो आदमी खंतिम गिरी जौन दारू के रे खाले हुई, दारू के ऊपर हुई। खूब ध्यान दे ले हो। राजा परीक्षित खुश हो गए, कहा लगे तो बड़ा काम कहे तो खुश हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन सोने में निवास मेरा, भैया जानकी प्रसाद चांदर क्वाडर से भैया ने 101 रुपए दान भगवान के चरणों में परमात्मा सुखी रखे। भैया तो यहां पर समझने वाली बात, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन सोने में निवास मेरा। और राजा परीक्षित भागवत के पहले अध्याय में कह रहे हैं कि कलयुग जाओ, तुम कहते हो कलयुग बोला भूप से हमका जगा बताओ, संगमरमर का कमरा है, नहीं मैं बिलैया घुसरी और नहीं मैं मुसरिया लागी, परसों है और इलेक्ट्रॉनिक कमरा है। नंबर एक सोने में निवास और नंबर दो तुम्हारा स्थान। कलयुग बोला भूप से परीक्षण ने कलयुग से कहा कि तुम्हारे में दो गुण हैं। और एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा, ना इस समय सतयुग चल रहा, ना इस समय त्रेता चल रहा, ना इस समय द्वापर चल रहा, ना कलयुग चल रहा। ना कभू सतयुग है ना भैया, कभू त्रेता है ना द्वापर है, और ना कभू कलयुग है। चार युग हमारे आपके शरीर के ऊपर चलाकर बराबर युगव चारे हैं और वर्णव चारे हैं। इतिहास में वर्ण कहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश और चार की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। राजा परीक्षित ने कहा ए सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर सारी युग हमारे ऊपर चलते बराबर। काओ कित्ता, अब हम आपको समझा दी फिर हिंदी में। जब हम सत्य के जगह पर बैठो है, जहां पर विगत कुंठाई वैकुंठा,
बैकुंठ केर कहूँ ना जगह है और ना बैकुंठ केर कहूँ स्थान है, ना बैकुंठ केर कोई लोक है। बैकुंठ क्या है? विगत कुंठाइत बैकुंठा, जहाँ पर ईर्ष्या दोष न हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा न हो, जहाँ घर में प्रेम और मोहब्बत हो, वहाँ आए बैकुंठ। घर भर बैठो सलाह काम भव जाए बैकुंठ मान, और पता लाग हम कहते हैं बाके बिहारी और वही कहती है पत्ता बहारी, तो बैकुंठ ना आए नरक हुआ है भाई मेरे। तो जहाँ पर सत्य के बात हो तो होए, और सत्य क्या है? ईश्वर का नाम। तो जहाँ पर सत्य की चर्चा हो जान लो हम सत्ययुग में बैठन, और जब हम अपने माता और पिता की, अब होली आ रही, जब हम अपने माता पिता की पैर छुए, और जब हम कोई से आशीर्वाद ले गुरु के पैर छुए पाए जाए, तो समझ लो हम त्रेता महन। और जब हम होली अभन आ रही भारी भारी पिचकारी, और भौजिन के रे छप छप मारे, भौजी का यही लमडाओ भिजाई हम ना, हाँ बताए रीत ना, नहीं नहीं हरा रंग लगाई, हरा रंग, कोई कोई हरा रंग लगावत, कोई कोई देखे न है जला मोबाइल और बहन निकाल ली है जी के, जला मोबाइल निकाल लिया मारे छाड़ी है भैया। तो जब हम होली खेले और बढ़िया हंस बोले खूब बढ़िया, मिले मिलाए हैं आपस में यहाँ खूब, तो समझ लो हम द्वापर महन। और जब हम इस शरीर के अंदर भरक चाहिए अच्छी चीज, और इसके अंदर भरे हैं कच्छ मच्छ बारह नरसिंह, गलत काम करे तो हम कलयुग महन भाई। इस चार युग है शरीर पर, चाहे जमने युग में का ढाल लो वही युग में चलक लिए तैयार है। राजा परीक्षित ने कहा जाओ कलयुग, हम तेरे ऊपर खुश हैं, तेरे को दो स्थान दे रहे हैं। नंबर एक, जो कोई भगवान का नाम न बोले, जो कोई गुरु के भजन न करे, वही के तो मुही पर बैठो जाए, मुही में जीभ हम बैठाओ, और तुम्हारा स्थान है सोने में, यू कमरा है नंबर एक। कलयुग जैसे सुना तो राजा परीक्षित के मुकुट रहे सोने के, यार सोचे दादा लाओ यह कह रहे मुकुट में बैठे पहले हम। वहां से कलयुग उठा भैया, कलयुग वहां से गायब हो के गयो जो मुकुट समाई। मुकुट कलयुग में भैया, राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो सोने का था। अब यहाँ बात समझे वाली बात है, का याग बिलमा, का याग बिलमा भैया सांप और मूस रह सकते हैं? अगर मूस और सांप याग के बिलमा घुसेर दियो तो मूस रहते हम सांप खाए जाए, बिलैया चूहा याग हम बंद न कह दो तो बिलैया है, बकरी और सियार याक में बंद कर दियो तो रात में बकरी सियार खाए जी नहीं खाए जी, बड़े मतलब की बात। तो जब याक बिलमा बिलैया चूहा नहीं रह सकत, जब याक जगह पर बकरी और शेर नहीं रह सकत, तो बोलो भाई याक याक चीज में यहां कलयुग और भगवान कहां रह सकत? और भगवान और ना राजा की बात कटी ना भगवान की बात कटी, राजा और भगवान की एक उपाधि होती, राजा और भगवान की उपाधि क्या होती है? भगवान के दर्जा पर। अब राजा परीक्षित ने भागवत के पहले अध्याय में कह दिया कि सोने में निवास कलयुग का, और भगवान श्री कृष्ण ने बारहवें अध्याय में भागवत के कहा है कि सोने में निवास मेरा। अब बताओ कौने सोने भगवान है कि मां कलयुग रहे और सोना या कर? तो संतों ने कहा महाला महाराज मामला होगा गड़बड़, तो फिर तातब का किया जाए? बोले एक काम करो,
उमा संशोधन यू कह दिन जाए कि ईमानदारी के अर धन जो खरीदा हो सोना वही मा रहे भगवान, और जो दलाली क्या हो वही मा रहे हैं कलयुग। तो फिर संतों ने कहा महाराज फिर भगवान जो है हाँ अरे हमका तुमका सोना सोना खरीदे हो और ये गोहूं आलू बेच के 300 रुपया कुंटल आलू बेच के यहाँ कई रुपए तुम सुतिया बनवा ले हो बताओ, और दलाली में यहाँ कोनो पिलाट बेच लो 1.5 लाख रुपया खरीद गिना लियो। तो कलयुग जय जीत भगवान जो ही हारे। तो संतों ने कहा एक संशोधन और कह दिन जाए तीमा भगवान हारे ना। तो कहा एक संशोधन क्या कर दिया जाए, कहा संशोधन यू कर दो कि सोना चांदी पहिरा जाए, ये जनजन में बात पहुंचाओ, सोना चांदी जब पहिरा जाए तो पहले पहिरा ना जाए, पहले भगवान के यहाँ अर्पण कीन जाए। बाबा साहेब मुहूर्त बनी है, सोना चांदी खरीद लाओ खाली बाबा साहेब समर्पित कर दो, इधर ब्रह्म बाबा बने हैं, सोना चांदी तुरंत खरीद के नहीं पहिरा जाता है, और सोना चांदी खरीदो लपद हुए लटकायल हिन दुकान में यहाँ वही माँ कलयुग निवास। मंदिर गलाओ वही देवी देवहरा होबे करे गाँव कोई कोई तो होबे करे निकार के यहाँ और लाए के यहाँ और रख दो, अब 5-6 मिनट घूम उठा हम जो थोड़े कहते कि चढ़ा दियो घर चले आओ, घर चले उठा ही नहीं कौन हम बना के तेरे तैयार कर रही जाइयो सुवारो तो बहुत है हैं। तो यू हम नहीं कहते कि निकाल के धर दो ना, 5 मिनट खाली घूम खड़े हो जाओ और कह दो हे ब्रह्म बाबा महाराज हे देवता हमारी वस्तु तुम्हारे में समर्पित है, वही के बाद हम प्रसाद रूप में भेंट कर लिया। वह पहले बहुत दिन तक चली और बहुत दिन तक वह तुम्हारे पास